वेलकम बैक टू अनदर वीडियो मैं प्रिंसेस सो so आज की वीडियो में क्या आप लोग थोड़ा सा चेंज देख रहे हैं कि आज मेरा नेम प्रिंसेस नहीं दिया है लेकिन मैं आपकी वही प्रिंसेस रहूंगी जो सी थी मस्... जो आप साथ इतनी मस्ती करती थी ना वही प्रिंसेज हूँ मैं लेकिन मैंने नेम चेंज कर लिया है मेरा नाम है गेमिंग विद दिया मीन पीके एक्सडी में, में अब मैंने ये रख लिया है आप लोग मेरी आई डी देख ली मेरी आई डी चेंज नहीं हुई मेरी आई डी वही है टू जीरो सिक्स नाइन नाइन बट मेरा नेम चेंज हो गया गेमिंग विद दिया तो आप लोग अभी ये नोट कर लीजिएगा ओके तो गाय आज की वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली क्योंकि आज फिर से मैं ले आई हूँ आपके साथ एक स्टोरी आपको मेरी स्टोरीज बहुत पसंद है ना इसलिए मैं स्टोरीज ले आई और ये वीडियो रियल मी नहीं है ये बस एक स्टोरी है आपको एंटरटेन करने के लिए तो इसको रियल में मत समझिएगा ओके तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं आज तो मेरा कुछ भी करने को दिल ही नहीं कर रहा अरे कार्टून्स लगे चलो कार्टून्स देख लेती हूँ इस पर भी दिल नहीं कर रहा तुम ऑफ हो जाओ अभी मेरे तो मैं देखने को दिल नहीं कर रहा मैं क्या करूं डैडी कहाँ है डैडी आज घर नहीं आए डैडी 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 कहाँ है आप प्रिंसेस मैं हूं। मेरी प्यारी बच्ची तुम्हें क्या चाहिए नहीं डैडी मैं तो बस आपको ढूंढ रही थी डैडी क्या आज हम बाहर जा सकते हैं प्लीज मेरा बहुत दिल कर रहा है बाहर घूमने जाने के लिए बेटा आज तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि आज मैं तुम्हारी भॉम के साथ बाहर जा रहा हूँ कल के बारे में क्या ख्याल है तुम अपने फ्रेंड्स के साथ घर में पार्टी कर सकती हो मैं चलता हूँ बेटा ओ oh नो no, एक मिनट मेरा फ़ोन आ रहा है हेलो जी आ, कल या आज ओ अच्छा ओके बॉस ठीक है बॉस मैं आपका काम कर दूँगा ओके ओ नो प्रिंसेस क्या हुआ डैडी क्या कुछ हो गया कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो गई ना डैडी प्लीज़ मुझे बताइए मैं बहुत परेशान हो रही हूँ नहीं प्रिंसेस ऐसा कुछ नहीं हुआ तुम घबराओ मत बस मेरे बॉस ने मुझे फ़ोन करके कहा है कि आपको बहुत ही ज़रूरी काम से ऑफिस आना होगा तो लगता है मैं दो तीन दिन तक नहीं घर आ पाऊँगा क्योंकि हमें लंबे सफ़र के लिए जाना है तो तुम अपनी और अपनी माम अपना और अपनी माम का ध्यान रखना ओके मेरी प्यारी प्रिंसेस और माम को बता देना कि डैडी जा रहे हैं ओके okay, डैडी आप ध्यान से जाइएगा और जब आ जाए तो मुझे बाहर घुमाने ले जाइएगा ओके डैडी मैं मॉम को बता दूंगी बाय बाय ठीक है बेटा मैं निकलता बाय बाय को बता देना आ, आज मैं बहुत थक गई हूँ सारे दिन से आराम कर करके मैं थक गई हूँ टीवी बंद कर देती हूँ लगता है मुझे नींद आ रही है अब मुझे थोड़ी देर सो जाना चाहिए तो अब मैं सो जाती हूँ बहुत थक गई हूँ मैं मैं जाके मॉम को बता देती हूँ कि डैडी चले गए हैं वरना वो परेशान मत हो तो मैं मॉम को बता देती हूँ मॉम मॉम आप कहाँ हैं मॉम अरे मॉम सोई हुई हैं मॉम उठिए मॉम मॉम उठिए ना hey, तुमने मेरी नींद खराब कर दी मैं सो रही थी तुम्हें पता नहीं मैं सारे दिन से टीवी देख देख के थक गई हूँ मुझे सोने की जरूरत थी और तुमने आकर मुझे उठा दिया क्या मसला है तुम्हारे साथ मोम मैं तो बस आपको ये बताने आई थी कि डैडी जा चुके हैं और वो दो तीन दिन बाद आएंगे आई एम सो सॉरी अगर मैंने आपकी नींद ख़राब कर दी और डैडी कह रहे थे मोम को बता देना ये जरूरी है इसलिए मैंने आपको बताया आई एम सो सॉरी मैंने आपकी नींद ख़राब कर दी अच्छा जाओ तुम यहाँ से अरे वाह ये तो चली गई और बहुत ही अच्छी खबर देकर गई है मुझे अब इसके डैडी यहाँ पर नहीं हैं तो मैं इससे अपने सारे बदले लूँगी अब ये बस देखती रह जाएगी मैं कोई पार्टीज करूंगी और इसको एक नौकरानी बना दूंगी मतलब मेड मेरी मेड हाँ हा, 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 हा। सबसे पहले मैं अपनी मेट को कहती हूँ आज से तुम तो मत आओ हेलो हाँ मैं तुम्हें बस यही बताने के लिए फ़ोन किया था कि तुम्हारी छुट्टियाँ जब मैं तुम्हें कहूंगी तभी आना अभी तुम्हें आने की कोई ज़रूरत नहीं <laughs> सबको मना कर दिया अब उसको जाकर कहती हूँ कि सब कुछ साफ करो <laughs> चल मेरे ड्रैगन टिक 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 टिक, टिक। अरे मेरे ड्रैगन ध्यान से ये सब मेरे दोस्त हैं इनको डराओ मत तो दोस्तों मैं अपने ड्रैगन के साथ खेल रही हूँ चल मेरे ड्रैगन टिक 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 टिक, टिक। ओह यस मॉम आपको कुछ चाहिए था हाँ तुम यहाँ क्या कर रही हो ये खेलने का रूम है तुम खेल नहीं सकती तुम्हें सारे घर का काम करना होगा क्योंकि मुझे पार्टी अटेंड करनी है और मेरे घर में भी बहुत सारी पार्टीज हैं और तुम्हें काम करना होगा मेरी मेड बीमार है जिस वजह से वो नहीं आ सकती तो अब से तुम मेरी मेड हो हा, 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 हा। जाओ अभी के अभी सारा घर साफ करो मैं अपनी फ्रेंड्स को बुलाने लगी हूँ ओके मॉम मैं चली जाती हूँ और वैसे मुझे कुछ खास इतना सब कुछ करना नहीं आता लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी आपको खुश करने के लिए सबसे पहले मैं फ़्लोर साफ़ कर देती हूँ तो जल्दी से मैं यहाँ पर फ्लोर साफ़ कर देती हूँ मैंने फ्लोर तो साफ कर दिया अब इस पर भाग कर देखती हूँ देखती हूँ कैसा डिज़ाइन बनता है शायद मॉम को पसंद आए मेरा डिज़ाइन क्योंकि मैंने देखा है मॉम मुझे ऊपर चलने ही नहीं देती जब मेड आती है तो मैं यहाँ पर अच्छे से भागूंगी और देखूंगी क्या होता है ओ नो ये मैंने क्या कर दिया इसीलिए मॉम मुझे नहीं ऊपर चढ़ने देती क्योंकि जहाँ जहाँ से मैं चलती गई वहाँ पर बॉक्सेस बनते गए बट मेरा पाँव तो बहुत छोटा है फिर इतना बड़ा बॉक्स कैसे बन गया अब क्या करूँ खुद ही सही हो जाएगा मुझे क्या वैसे भी तो पहले मैंने कभी नहीं किया अब मैं वॉल साफ कर देती हूँ क्योंकि वॉल्स भी बहुत गंदी हो गई हैं। ओ नो ऊपर तो मेरे सारे हाथ लग गए अब ये मैंने क्या कर दिया बट मेरे हाथ पे तो ट्री नहीं बना था तो फिर यहाँ पर ट्रीज कैसे बन गए ओ नो ओ आइटिया आया मेरी डैडी ने मुझे आपको एक सीक्रेट बता रही हूँ किसी को बताना स्पेशली मेरी स्टेप मदर को मेरी डैड ने मुझे एक स्टिक दी थी जिसको बस ऐसे घुमाओ तो सब कुछ पहले जैसा हो जाता है क्योंकि मैं अक्सर गड़बड़ कर देती हूँ तो मैं वो स्टिक निकालती हूँ ये देखो मेरे पास है वो जादू स्टिक इससे बस सिंपली आपको ये ऊपर से फेंकेंगे और सब कुछ वैसा हो जाएगा जैसे पहले था अरे वाह देखा ना मैंने सब ठीक कर दिया मतलब मेरी जादू स्टिक ने तो अब मैं मॉम से कहती हूँ मैंने सारा कुछ साफ़ कर दिया है मॉम मॉम मैंने अरे आहिस्ता बोलूँ वरना फिर ना मॉम मुझे डांटे मॉम मॉम आप कहाँ हैं मैंने सब कुछ क्लीन कर दिया है माम अपने रूम में होंगी माम मोम आप कहाँ हैं माम आप बाथरूम में हैं माम तो कहीं भी नहीं हैं आई थिंक मुझे वहाँ जा कर देखना चाहिए प्ले रूम में माम आप यहाँ पर हैं अरे मेरी मोम कहाँ गई माम आप कहाँ पर हैं क्या आप इस वाले रूम में हैं अरे कहीं भी नहीं हैं मुझे माम को फ़ोन करना चाहिए हेलो माम हेलो क्या मसला है क्यों फ़ोन किया है मॉम आप कहाँ पर ही रहे मैं आपको हर तरफ ढूंढ रही हूँ मैंने सब कुछ साफ कर दिया है पिता है नहीं था मैं एक पार्टी में जा रही हूँ चुपचाप घर में बैठो मैं पार्टी से लेट नाइट वापस आऊंगी बट मैं मुझे तो खाना भी नहीं बनाना आता मैं क्या खाऊंगी मुझे नहीं पता डिस्टर्ब मत करो चुपचाप बैठ जाओ कट मैं क्या करूँ मुझे तो कुछ भी नहीं बनाना आता अब मैं क्या करूँ मेरी मॉम ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया और डैडी भी नहीं है जो मुझे यहाँ पर बचा सकते अब मैं क्या करूँ कुछ खाने के लिए भी नहीं पड़ा शायद फ्रिज में कुछ हो देखती हूँ अरे वाह यहाँ पर तो केक मिला मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ लगता है मॉम ने यह अपने लिए रखा था कोई बात नहीं मुझे इतनी भूख लगी मैं खा लेती हूँ मॉम को बाद में और मिल जाएगा मुझे अभी बहुत भूख लगी जल्दी जल्दी खा लेती हूँ यम देखती और क्या है फ्रिज में मिल्क भी है ये भी पी लेती हूं। बहुत प्यास लग रही थी और मुझे मिल्क बहुत पसंद है मिल्क से हमें ताकत मिलती है और मिल्क अब मैं और नहीं पी सकती बस इनफ इसके बाद मैं सो जाऊंगी जाकर और सुबह तक मोम आ जाएंगी तो मैं सोने जा रही हूँ गुड नाइट आ, ये इतनी धूप कहाँ से पड़ रही है आ ये मैं कहाँ पर हूँ मैं तो बेड पर सोई थी मुझे अच्छे से याद है बट ये मैं कहां पर आ गई <laughs> मुझे अपने घर जाना है ये मैं कहां आ गई हूँ ये बहुत ही अजीब जगह है और इतनी धूप है यहां पर वो पिज़्ज़ा एरिया वो कटिंग शॉप है मैं पता नहीं कहां आ गई हूँ प्लीज कोई मेरी हेल्प कर दो मुझे नहीं पता मैं कहां जाऊँ लगता है ये मेरी स्टेप मदर ने मेरे साथ किया मैं क्या करूंगी हां हां हेलो क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूं आई नो मैं ब्लैक हो तो तुम मुझे पसंद नहीं करोगी क्योंकि कोई भी मुझे पसंद नहीं करता बट मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ तुम्हें मेरी हेल्प तो नहीं चाहिए हाँ प्लीज़ तुम मेरी मदद कर दो और ऐसा मत सोचो कि मैं तुम्हें बुरा भला कहूँगी क्योंकि तुम ब्लैक हो तुम जैसी भी हो तुम बहुत अच्छी हो तुम मेरी हेल्प कर दो प्लीज़ मेरी मॉम ने मुझे घर से निकाल दिया और पता नहीं जब मैं उठी तो मैं यहाँ बेंच पर थी तो क्या तुम मेरा घर ढूंढने में मदद कर सकती हो लेकिन नहीं उस मामा ने तो मुझे निकाल दिया तो मैं दोबारा जाऊंगी तो मेरे साथ बहुत बुरा होगा क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है जिससे मैं अपने एक न्यू घर में रह सकूं और मतलब मैं इनकम भी कमा सकूं बट अभी मैं बच्ची हूं मैं क्या करूं मैं तो कोई जॉब भी नहीं कर सकती क्या तुम्हारे पास ऐसी कोई एप्लीकेशन या कुछ है जिससे मैं मतलब मैं अपनी इनकम खुद के पैसे कमा सकूँ और मेरा घर भी चल सके और मैं अपना एक घर भी लेना चाहती हूँ कोई बात नहीं रेंट पर ले लूँगी बट अपना तो होगा ना क्या कुछ ऐसा है तुम्हारे पास हाँ है ना मेरे पास तुम ऐसा करो तुम YouTube डाउनलोड कर लो YouTube से तुम फेमस हो जाओगी अगर तुम्हें लाइक्स और व्यूज़ मिलेंगे और सब्सक्राइबर्स भी दैन तुम एक बड़ी यूट्यूबर बन जाओगे और उधर से तुम्हें पैसे आएंगे, तुम वो पैसे किसी को दे देना और वहां से घर ले लेना ये इजी है मैं भी यूट्यूब पे वीडियोस बनाती हूँ बट मैं फेमस नहीं हूँ आई होप कि तुम फेमस हो जाओगी तो मैं तुम्हें एक मोबाइल देती हूँ तो तुम उस पर वीडियोज़ डालना मुझे यकीन है तुम एक दिन सक्सेसफुल हो जाओगी अब मैं चलती हूँ बाय थैंक यू ये मोबाइल देने के लिए अब मैं ज़रूर टिकटॉक मीन यूट्यूब पे वीडियोस डाला करूँगी सॉरी मैंने टिकटॉक बोल दिया क्योंकि जब मैं घर में होती थी मैं यूट्यूब पे वीडियोज़ देखती थी और टिकटॉक्स पर भी बट मुझे नहीं पता था कि मैं भी ऐसा कर पाऊंगी थैंक यू सो मच ये आइडिया देने के लिए आई होप मैं सक्सेसफुल हो जाऊँगी तो मैं वीडियोज़ डालने अभी से शुरू कर देती हूँ और आई होप कि मैं सक्सेसफुल हो जाऊँगी ठीक है बाय आज तो मैंने बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर दी हैं यूट्यूब पर अब देखती हूँ कोई मेरा भी दोस्त बनना चाहता है या नहीं सो जाती हूँ यहीं पर स्ट्रीट पर और कल देखूँगी मेरे कितने सब्सक्राइबर्स और कितने व्यूज़ आए सुबह हो गई अरे मैं इतनी जल्दी उठ गई अभी तो सूरज भी नहीं निकला मुझे जल्दी-जल्दी YouTube पे वीडियोस देखनी है कि मेरी कोई वीडियो हिट हुई या नहीं देखती हूं ओएमजी 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 मैं फेमस हो गई मेरे 5k सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं ओएमजी वाओ और हाँ मैंने ये भी सुना था 5k पे हम कंटेंट क्रिएटर बन जाते हैं जिससे PKX हमें हर चीज देती है बट हमें वो खुद लेनी पड़ती है बट वो हमें फ्री में भी कुछ देती है तो मुझे जल्दी जल्दी इन दोस्तों की हेल्प चाहिए आई लव यू ऑल गाइज आप लोग कितने अच्छे हो मैं सोच नहीं सकती थी कि मैं इतनी फेमस हो जाऊँगी वो लड़की कहाँ है मुझे उसको थैंक यू बोलना है उसने ही मुझे आइडिया दिया और मैं इतनी फेमस हो गई आई होप कि आगे भी आप लोग मेरी मुझे सपोर्ट करते रहोगे और मैं इसी तरह सक्सेसफुल होती रहूँगी वह तो अभी के लिए तो मुझे जाना होगा ओके गाइज तो मिलती हूँ आपको अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय तो गायज आप लोग मुझे मीन मेरी सपोर्ट करोगे ना मुझे और मुझे कॉन्टेंट क्रिएटर बनाओगे ताकि मैं आपके लिए और मजे मजे के गिव अवेज़ और चैलेंजेस इस तरह का सब कुछ लाती रहूँगी लाइव भी हम आएंगे और फिर आप सब दोस्तों के साथ खेलूंगी लेकिन अभी बारी है बाय बाय करने की आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी बाय बाय